नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल की एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में। क्यों मैं इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ इसको डियर फ्रेंड, क्योंकि आज की जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इतनी इम्पोर्टेंट टॉपिक है डियर फ्रेंड कि हमारे एक सुपरवाइजर, साइट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर से लेकर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तक की बात करें या किसी सीनियर पर्सन की बात करें, उसको इस बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। पहले मैं आपको एक टेबल यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। मैं यहाँ आपको दो प्रोसीजर की हेल्प से समझाना चाहूँगा कि आपको जो रिक्वायर्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो कितनी चाहिए होगी। पहले जो हमारी प्रोसीजर है वो हम चलेंगे मोर्थ के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। मोर्थ में हमारा टेबल नंबर 900 का 5 जो टेबल है वो दिया हुआ है। इस टेबल में आपको इस प्रकार से एक एज स्ट्रेंथ रिलेशन का जो टेबल है वो दिया हुआ है 28 डेज के हिसाब से। जब 28 डेज में अगर 100% ले तो उसकी अदर डेज में कितनी होगी वो यहाँ पर हमें परसेंटेज की फॉर्म में दिया हुआ है। ये जो टेबल है ये हमारे कंक्रीट की फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ के लिए है, ठीक है। तो इसको आप कभी भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए डायरेक्ट इंप्लीमेंट ना करें। इसको इंप्लीमेंट करने का दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इस टेबल की हेल्प से आप अपनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो रिक्वायर्ड है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड, इसके लिए हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। तो चलते हैं हमारे सेकेंड पेज पे। यहाँ पे हमने एक टेबल बनाई, यहाँ पे हमने एक एक्सेल शीट बनाई हुई है डियर फ्रेंड। ये एक्सेल शीट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कैसे होगी वो आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। हम जानते हैं डियर फ्रेंड फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ का फार्मूला। फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू होता है 0.7 अंडर रूट कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जिसको हमने यहाँ पर FCK से डिनोट किया हुआ है। इस फार्मूले की हेल्प से और इस टेबल की हेल्प से हम सारा कैलकुलेशन करने वाले हैं। हम सपोज करते हैं कि हमारा जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है वो है M40, यानी 40 न्यूटन पर mm², 28 डेज की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है हमारी कंक्रीट की, और डेज ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ पे लिख लिया हमने 28 डेज। तो हम जानते हैं कि 28 डेज में जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो होती है 100%, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम देख पाएंगे अगर वर्टिकली चलें 20 और हॉरिजॉन्टली चलें 8 तो यहाँ पर हमारा 100% हो जाता है। अब ये तो कोई बच्चा ही बता देगा, जो फ्रेशर इंजीनियर होगा वो ही बता देगा कि भाई 28 डेज में 100% स्ट्रेंथ चाहिए है। पर यही अगर मैं बोलूँ आपको 40 दिन में कितनी चाहिए है, तो हम चलते हैं यहाँ पे देखते हैं, वर्टिकली चलते हैं 40 डेज और 40 प्लस 0 करेंगे तो ये हमारा 40 डेज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें चाहिए रिक्वायर्ड 106.5%, यानी जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उसका 106.5 तो हमें फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ चाहिए, फिर इससे हमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर हम कर देते हैं डेज ऑफ स्ट्रेंथ कर देते हैं 40 डेज, और यहाँ पर हमें चाहिए 40 डेज में 106.5% फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो हमारी जो फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड हो जाती है 40 डेज में वो हो जाती है 4.715, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है रिक्वायर्ड वो हो जाती है डियर फ्रेंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 840 डेज हो जाएगी हमारी 45.369 न्यूटन पर mm². अभी कैलकुलेशन कैसे हुआ थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता देता हूं, जिससे आपको जो कन्फ्यूजन है, क्योंकि ये तो एक्सेल शीट ने डायरेक्ट कर दिया है, पर अगर आप इसको मैनुअली करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे वो भी मैं आपको समझाता हूं। हमारा फार्मूला होता है फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 0.7 अंडर रूट कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जिसे हमने FCK डिनोट किया है। सपोज करते हैं कि हमें 40 डेज में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मालूम करनी है, तो स्ट्रेंथ हम लेते हैं, ग्रेड ले लेते हैं कंक्रीट की, M40 ग्रेड का हमारा कंक्रीट है। एज पर मोर्थ टेबल 905 जो मैंने आपको दिखाई थी, 40 डेज जो कंक्रीट है उसकी फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ होती है 106.5% ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ की, ठीक है। जो 28 डेज की फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ है उसका 106.5% होता है। सो 40 डेज में जो फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ कितनी होगी पहले हम वो कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा फार्मूला होता है 0.7 अंडर रूट FCK इनटू 106.5% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 0.7 अंडर रूट FCK की जगह रख देंगे हम 40 और मल्टीप्लाई कर देंगे 106.5 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो ये डिवाइड 100 हो जाता है। इसको जब कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4.715 न्यूटन पर mm², यानी कि 40 डेज में हमें जो रिक्वायर्ड फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ है वो हो जाएगी 4.715 न्यूटन पर mm². अब हम निकालते हैं इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को डियर फ्रेंड। फिर से वही फार्मूला हम लेते हैं, जो हमारी फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 0.7 अंडर रूट FCK। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास
फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ की वैल्यू हमें मिल गई है 4.71 40 days के लिए। इसकी हेल्प से हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालेंगे, तो फार्मूले में रखते हैं 0.7 अंडर रूट एफ सी के। तो हमें चाहिए क्या डियर फ्रेंड, एफ सी के चाहिए, तो एफ सी के को हम इक्वल के इसी तरह पहने देते हैं, तो हमारा 0.7 है वो डिवाइड में चला जाएगा 4.71 के, तो 4.71 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 0.7, और इसका जब आप जो अंडर रूट यहाँ से हटाएंगे डियर फ्रेंड, तो यहाँ पर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाएगी 40 डेज के लिए वो हो जाएगी 45.369 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इन 40 डेज। ओके डियर फ्रेंड, तो इस टेबल की हेल्प से इस प्रकार से आप क्या करेंगे, किसी भी अनइवन डेज के लिए जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का कैलकुलेशन भी कर सकते हैं और फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ का कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, पर पहले आपको फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ निकालनी है इस टेबल की हेल्प से, फिर आपको उससे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालनी है। नेक्स्ट हम चलते हैं, इससे भी एक शॉर्टकट तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये तो जनरली हमारे जो रोड की कॉन्क्रीट है, पीक्यूसी पेमेंट है, वहाँ पर ये इम्प्लीमेंट की जानी चाहिए। नेक्स्ट जो हम बताते हैं वो है हमारी अदर कॉन्क्रीट, चाहे हमारे पीसीसी हो, बिल्डिंग वर्क्स हो, कोई भी कॉन्क्रीट हो, वहाँ पर हमें कौन सा तरीका अप्लाई करना चाहिए, तो उसके लिए हमें आईआरसी एस पर ISSP 24 में एक फार्मूला दिया है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ स्पेसिफिक डेज का फार्मूला है, वो है FCKT, यानी के जो कम्प्लेक्स हमारी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है किसी भी डेज पे, जिस तो हमारा जो FCKT इक्वल टू हो जाता है टी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी टी ब्रैकेट बंद, इसको होल मल्टीप्लाई करना आपको एफ सी के से। अब यहाँ पर ये क्या क्या डिनोटेशन दिए हैं मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा एफ सी के टी है डियर फ्रेंड, एफ सी के टी लिख दीजिए, एफ सी के टी तो हमें निकालना, यानी किसी भी अनइवन डेज पे हमारे जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो कितनी होगी, तो वो हमने एफ सी के टी से डिनोट कर दिया है। हमारा जो एफ सी के है, यानी कि जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, वो हम सपोज करते हैं M40, यानी कि 40 न्यूटन पर एम स्क्वायर की हमारी कॉन्क्रीट है। ओके, और हमें जो स्ट्रेंथ निकालनी है कॉन्क्रीट की, वो निकालनी सपोज कीजिए 40 डेज पे, तो यहाँ पर हम 40 रख देंगे। तो आप देखेंगे जो हमारा ए की जो है, ए एक कॉन्स्टेंट है, इसकी कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है 4.7, और बी भी एक कॉन्स्टेंट है, इसकी कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है 0.833। तो हमारी जो 40 डेज में जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आएगी वो हो जाएगी 42.08 न्यूटन पर mm². ओके डियर फ्रेंड, तो एक तरीका ये भी है, और इसको जब आप परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 105.21% ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के, जब 48 डेज में हमने कैलकुलेट किया है तब। इनमें ये एक्सेल शीट में अपने टेलीग्राम चैनल पर आपके साथ शेयर कर दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। चलता हूँ डियर फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक किए बिना मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाना, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी डिस्कशन, कोई भी डाउट है तो उसको पूछने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दी है। चलता हूँ डियर फ्रेंड, टाटा, टेक केयर।